डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, अब ये क्या है, काफी वास्ट और मतलब बहुत 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 बड़ा है और रिलेटिविटी रिलेटेड टॉपिक है। अब ये इस लेवल पे समझाना काफी मतलब टफ बात है, मतलब क्योंकि समझाना काफी इजी है बट समझ में आने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझाने के लिए काफी कुछ और समझाना पड़ेगा और जो काफी कुछ और समझाना है वो उसके लिए काफी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सो शॉर्ट में आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कैसे था कि अब सपोज ट्रेन है, दूर है ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन एमिट कर रही है साउंड वेव, कोई बात नहीं, आवाज छोड़ रही है जो साउंड वेव के फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब ट्रेन दूर है तो जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो वेव, समझो 1000 वेव निकली तो मुझ तक तो 200 पहुंचेगी क्योंकि ट्रेन काफी दूर है। बट जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आती जाएगी तो वेव्स काफी ज्यादा मुझे टच होंगी क्योंकि ज्यादा ट्रेन नजदीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो मुझे साउंड ज्यादा सुनाई देगा, और ट्रेन निकल जाएगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो अगेन वही सब चीज होगी कि मुझे आवाज कम सुनाई देगा। अब लाइट में क्या होता है, अब लाइट की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। देखो लाइट में अब देखो जहां पर, अब वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, सो वी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब एन का मतलब क्या, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो अगर सपोज फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आता है तो वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। सपोज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो साउंड की एक ही रहेगी, इतना तो आपको पता है ना, वेलोसिटी एक ही रहेगी। सपोज अज्यूम वेलोसिटी 10 है और ये 2 है फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ कितनी होगी, 5। सपोज फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गई और ये हो गई 3, तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है। सपोज ये हो गई 5 तो ये क्या हो जाएगा, 2, यानी कि अगर एक चेंज होता है तो दोनों चेंज होगा, इतना तो तय है साउंड के फॉर्म में, साउंड के केस में। अब लाइट में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तब वेवलेंथ चेंज होगी। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, वेवलेंथ चेंज हुई, साउंड में भी होता है लाइट में भी होता है, पर लाइट में वेवलेंथ चेंज होने का मतलब क्या है, लाइट में वेवलेंथ चेंज मतलब कलर ही चेंज हो गया, समझ में आ रहा है। लाइट में वेवलेंथ चेंज मतलब कलर चेंज, साउंड में क्या था भाई, अपने को आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज बड़ा मस्त है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब आवाज बड़ा, फ्रीक्वेंसी कम है आवाज खत्म। हाँ, सही है भाई, सही है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड मस्त है, क्या बात है। लाइट में क्या करोगे, लाइट में तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज, एन चेंज मतलब लैम्डा चेंज, लैम्डा चेंज मतलब कलर चेंज, समझ में आ रहा है। तो क्या है, तो क्या है फिर, क्या करें भाई, तो मैं इसके लिए एक वीडियो छोड़ रहा हूं, वो मेरे चैनल की वीडियो नहीं है, किसी अंग्रेज की है, पर कोई डाउट नहीं, हमें तो नॉलेज लेने से मतलब है, और एनिमेटेड और काफी अच्छी वीडियो है 2 मिनट की, तो वो देख लेना बस, फिर तो बेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो कुछ मुझे पैसे नहीं मिले हैं, प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा मत समझना, क्योंकि अज्यूम करना और जजमेंट करना आजकल काफी इजी हो गया। तो आ जाते हैं हम जल्दी टॉपिक पे। तो येलो जो रहती, रेड जो रहती है वो होती है एकदम लॉन्गर वेवलेंथ, क्या होती है, सबसे लॉन्गर वेवलेंथ हमारे स्पेक्ट्रम में। और जो ब्लू होती है वो होती है शॉर्टर, ब्लू क्या होती है, शॉर्टर। तो जैसे यहां पर ट्रेन अगर नजदीक आ रही थी, ट्रेन अगर दूर है, ट्रेन काफी दूर है, नजर ही नहीं आ रही, समझो बहुत दूर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, मुझे पता है क्योंकि वेव्स वहां ही निकल जाएंगी, साउंड वेव्स। ट्रेन इधर है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मुझे पता है। तो इसमें कैसे पता चले कि नजदीक है कि दूर है, समझ में आ रहा है। तो लॉन्गर वेवलेंथ मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा है, समझ में आ रहा है, जब डिस्टेंस इज मोर, वेन डिस्टेंस इज मोर। तो शॉर्टर क्या हो जाएगा, वेन डिस्टेंस इज लेस, तो ये किसके लिए काम में आएगा, लेस डिस्टेंस। तो हम कुछ सपोज डिटेक्टर लगा दें, डिटेक्टर लगा के एक छोड़ दें, समझ में आ रहा है, एक डिटेक्टर लगा के छोड़ दें, सपोज ये है हमारी वेवलेंथ, सपोज ये रेड स्पेक्ट्रम है और यहाँ यहाँ करके मुझे मिल रहा है ब्लू स्पेक्ट्रम, अज्यूम करो यहाँ पे है रेड स्पेक्ट्रम यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ और यहाँ पर है ब्लू, और मैंने ये डिटेक्टर लगा के छोड़ दिया, अज्यूम मैंने देखा कि यहाँ पर है मेरा रीडिंग, एट प्रेजेंट करंट रीडिंग यहाँ पर है। अब सपोज मुझे थोड़ी देर बाद आंसर जो मिला है वो यहाँ मिला है, मतलब ब्लू के साइड, तो मैं क्या समझूं,
तो इसका मतलब कि लेस डिस्टेंस, मतलब हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है। अगर राइट साइड हुआ तो मैं कह सकता हूं हाँ हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये सब होता है यूज गैलेक्सीज में, गैलेक्सी में इतना नहीं होता, बोलने को तो इजी है गैलेक्सी में मतलब ठीक है, पर यूज होता है बस प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में कि शिफ्ट कहाँ हुआ। तो लॉन्गर तो हम कहते हैं रेड शिफ्ट, शॉर्टर तो हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो बस यही है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, बस ये फॉर्मूला आपको पता ही है ना, बस तो बस साउंड कंपेयर करके लाइट पे आ गए। तो दैट्स इट, इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर भी हुआ खत्म। सो आप बता दीजिए कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, सो हम कोशिश करेंगे वो करने की। और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखो आजकल कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई है कि क्लासेस या तो बच्चे नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं तो कुछ ढंग के टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब ही रह रहा है। और मेरा चैनल भी नॉन मोनेटाइज है, ऐसा मत समझना कि मोनेटाइज है पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो ठीक है, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।